नमस्कार दोस्तों बंधु रेखास किचन को फोन तरह स्वागत। आज मुझे सहित गोटे ननवेज आइटम सेयर करी चूना मछरे खट्टा कमला दे गोटे चुटचुड़ा आइटम बनवा यह पखाड़ भात हो गरम भात आपने खाईपरेंगे। चलो रेसीपी तो निश्चय आपत सेयार करी पूर्व जब मो चेल को नुआक आसी सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनी सैड छोटे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाद्वारा मोर जो सब नुआ नुआ भिड अपलोड होार नोटिकेसन आपको जापर आपंपरेंगे। रेसीपी जब मोर भल लगू था लाइक सेयार निश्चय करने मतामत कमेंट बक्स में निश्चय जनइबे। चलो आज आम जाणनवा चूना मछरे खट्टा कमला दे चुटचुड़ा रेसीपी। ये देखु चूना माछ खट्टा कमला देक चुटचुड़ा मुझे अलरेडी बनई नहीं किपर भाव में बनैली ताप सहित तो निश्चय सेयार करी। चलते देखने ये देखते मुझे फ्रेस फ्रेस चूना माछ नहीं जोड़ा कि सब प्रकार मिसिकी थाए चूना माछ ने दुईटी खट्टा कमला नहीं कई कई कमला को कांदिया कहते। चलो यही चूना माछ को भल भाव बाछी ना बाछी भल भाव परिष्कार करवा यह देह पाई बहुत उपकारी आखि पाई तो बहुत उपकार यह खाया बहुत हेल्दी देह पाई। चलो एबे आमे याकु बाछिकी भल भाव परिष्कार करी धोई नबा। इत देखु मु भल भाव बाछी नहीं परिष्कार करी धोई एबे सेतिरे लुण आ हलदी देकी भल भाव गोळेई नबा। ये छोट माछ बा चूना माछ आम देह पाई बहुत उपकारी आखि पाई मध्ये बहुत उपकार आपण माने जानिथिबे निश्चित। यही माछ को आपण माने नॉर्मल तेल रे भाजिकी पखाड़ भात सहित खाई परिबे बहुत बढ़िया लगे। एबे चालंतु पैन टी को गरम करी मु सेतिरे तेल 3-4 चम्मच देती तेल टिके अधिक देबे चूना माछ रे तेल अधिक देकी कुड़कुड़ा भलिया छाणी देले बहुत बढ़िया लगे। तेल तो आम गरम हो मैरिनेट कर रखी चूना माछ को एबे गरम तेल रेदेव बर्तमान गैस फ्लेम को हाई रखिए भाजला बेल तेल टिके अधिक देवे जदि आपण मैंने छाणी देवे ताल मत आढ़िया लगे। मुझा सेलो फ्राए कर देखूँ गोटे साइड पूरा हो गले यहाँ आपण मैंने आर साइड की उल्टे ने देखु गोटे साइड पूरा हो गले आपण मैंने उल्टेबे जदि न हो तेल उल्टेबे मुड़ाक भांगी जीव जेहेतु ये छोट मछ भाव एपट सेपट कर दुई साइड लाइट ब्राउन होगा पर्यटन टी भाजी ने देखु मर बढ़िया से भाजीगला सेम प्रोसेस रे सब मछ गुड़ को भाजी नवा। माछ चुटचुड़ा पाई तो माछ आमर बिल्कुल रेडी। एबे चालंतु नेक्स्ट स्टेप देखिबा मसला प्रिपेयर करिबा सेति पई मु गोटे ब्लेंडिंग जार नेछि। एबे सेतिरे जीरा गोटे चम्मच दे दउछि सोरिष मध्य गोटे चम्मच देछि चुकिला लंका आपणक पसंद अनुजाई देबे रसुण कुळा किछि नेछि दे दउछि काटिकि रखिथिबा प्याज दे देबा। एबे सेतिरे अल्प टिके पानी दे भल भाबरे गोटे पेस्ट बनै नबा। ये देखु पेस्ट आमर बिल्कुल आमर रेडी हो जाए देखु बढ़िया भाव पेस्ट हो जाए मसला तो आम बिल्कुल रेडी होगा। एवं चलतु तरकारी बनवा कड़ई टी प्रथम गरम कर सोरिष तेल 2-3 चम्मच देवे सोरिष तेल यूज करेंगे ननभेज रे आपण मैंने सोरिष तेल यूज कले बहुत बढ़िया लगे। एवं काटिक रखि प्याज देद प्याज को टी आम लाइट ब्राउन होगा पर्यटन भाजी ना प्याज भाजी गले बाटिक रखि मसला दे दब मसला को टिके तेल रे गोल एवं से लंका गुंड दे दबा इटा काश्मीरी लंका गुंड बिल्कुल राग लगे ये हलदी गुंड अल्प दे दबा स्वाद अनुजाई लुण दे दबा लंका गुंड आपण को पसंद अनुजाई देवे कारण आम लंका बाटिंट जीक राग आपण मैंने खाती से अनुजाई देवे। एबे सबु मसला को गोल अल्प समय पर कषिन बेसी कषिबे आपण मैंने जानते सोरिष मसला को बेसी कषिले भल लगे पिता हो जाए। यह भाव मसलार पा मल्ला पर्यटन कषिने देखु बिल्कुल मसला आमर हो गला
ଏବେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ କଭର କରିନେବା ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚୁନା ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। ଚୁନା ମାଛକୁ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗରମ ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଚୁନା ମାଛକୁ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର କରିନେବା ମସଲା ସହିତ ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା କମଳାକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଖଟା କମଳାରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଖଟା କମଳା ଦେଇକି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ବନେଇବେ ଚୁନା ମାଛକୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଭାତ ହଉ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କମଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା ରସ ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କଭରଟିକୁ କାଢି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲା ସହିତ ଚୁନା ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କାରଣ ଛୋଟ ମାଛ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସିଝିଯାଏ। ଏତିକି ପାଣି ରଖିବେ, ବେଶୀ ପାଣି କରିବେନି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। କମଳା ରସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି କମଳା ରସ ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି କମଳା ରସ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। କଭର କରିନେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କମଳା ରସ ଦେବେନି, ପିତା ଲାଗିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା କମଳା ରସ ଦେଇ ଚୁନା ମାଛ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଖଟା କମଳା ରସ ଦେଇ ଛୋଟ ମାଛ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ଖାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସେମାନେ ଖାଇକି କ'ଣ କହିଲେ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।